أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله خان صاحب बरकत मियाँ तशरीफ लाए हैं। बरकत मियाँ? जी हुजूर। आप उन्हें बिठाएं, हम अभी आते हैं। बेहतर है। अरे बरकत मियां। सलाम अलैकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बस दुआ है। अजीब इत्तेफाक है, मैं आज ही आपको याद कर रहा था। और देखिए मैं हाजिर हो गया। आइए तशरीफ रखिए। अब कहिए क्या लेंगे आप? नहीं बस कुछ नहीं। कुछ कैसे नहीं? अच्छे मियां। जी हुजूर। बरकत मियां के लिए कुछ चाय नाश्ता लेकर आइए। अभी लाया हुजूर। बरकत मियां, मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि आपका शाहगंज मंडी जाना तय हुआ या नहीं? हाँ हाँ साहब, बिल्कुल तय। इस इलाके में जो हमारे 15-16 बैंक हैं, उनके लिए रीजनल मैनेजर मिस्टर सुंदर गुप्ता यहाँ आ चुके हैं। बरकत मियां, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमारी वो हवेली जो आपके बैंक के पास गिरवी पड़ी है, अब उसकी देखभाल इन बूढ़ी हड्डियों से तो हो नहीं पाती। आप तो जानते हैं कि वैसे भी मैं दुनिया में बिल्कुल अकेला हूं और दुनिया की उलझनों से मैं थक चुका हूं। अब तो अल्लाह अल्लाह करने के दिन है। बरकत मियां, क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि आप ही का बैंक उस हवेली को नीलाम करके अपने कर्ज की रकम वापस ले लें? खान साहब, मैं इसी सिलसिले में आपसे बातचीत करने के लिए आया हूं। फरमाए। हमारे जो नए रीजनल मैनेजर साहब हैं, वो फिलहाल सरकारी डाक बंगले में ठहरे हुए हैं। मैंने उनसे मुलाकात की और आपकी हवेली के बारे में तफसील से बातचीत की। ये लीजिए। थैंक यू सुंदर साहब। खान साहब बड़े खानदानी और नेक इंसान हैं, साथ ही बड़े दरिया दिल भी हैं। उनकी अपनी काश्त के लायक जितनी जमीन थी वो उन्होंने गरीब किसानों में तकसीम कर दी। बिल्कुल तन्हा हैं वो इस दुनिया में। उम्र के इस आखिरी हिस्से में सुकून से जीना चाहते। उनका ख्याल है कि उनकी वो जो हवेली हमारे बैंक के पास गिरवी पड़ी है, हमारा बैंक उसे नीलाम करके अपने कर्ज की रकम वसूल कर ले। वो नहीं चाहते कि वो कर्ज का बोझ लेकर इस दुनिया से जाए। आप सही कह रहे हैं, पर खान साहब के बारे में यह सब जानने के बाद मैं पर्सनली ये चाहता हूं कि इस प्रॉब्लम का कोई ऐसा हल निकाला जाए जिससे बैंक का कर्ज भी वसूल हो जाए, उसने एक बुजुर्ग की हवेली नीलाम होने से बच जाए। सुंदर साहब, ऐसा कोई हल मुमकिन है क्या? क्यों नहीं बरकत साहब। देखिए, आप खान साहब से मिलिए और उन्हें समझाइए कि वो अपनी हवेली का एक हिस्सा बैंक के नाम कर दें, यानी कि बैंक को किराए पर दे दें, तो वो रकम जो बैंक को बतौर किराया हर महीने अदा करनी पड़ती है वो सब उनके लोन के अगेंस्ट में एडजस्ट होती रहेगी और इस तरह धीरे धीरे उनका कर्ज भी चुक जाएगा, और अगर बैंक को पैसा मिल गया तो उनकी हवेली नीलाम होने से बच जाएगी। भाई वाह सुंदर साहब, ये तो बड़ा ही उम्दा हल निकाला आपने इस पूरे मसले का। ये खबर सुनकर तो खान साहब बहुत खुश होंगे। तो ठीक है, आप खान साहब से मिलकर ये सारी कार्रवाई पूरी कर लीजिए, और अगर ये हो गया तो ये साल खत्म होते होते हम अपना रीजनल ऑफिस भी वहीं ले जाएंगे।
और जब तक खान साहब जिंदा रहेंगे उनके लिए एक अच्छी खासी पेंशन हो जाएगी। थैंक यू सुंदर साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू की जरूरत नहीं है, आप नहीं जानते कि हम चार भाई हैं और जब मेरे तीन भाइयों की वजह से मेरे बूढ़े पिताजी को अपना पुराना पुश्तैनी मकान बेचना पड़ा था तो उनका जो दर्द था, जो तकलीफ थी, उस दर्द और तकलीफ को मैं आज भी महसूस करता हूं। तब तो सुंदर साहब आप अपनी फैमिली को यहां बुलवा ही लीजिए। हाँ, मैं अपनी फैमिली को बुलवा लेता हूं और अब तो किसी किराए के मकान की जरूरत भी नहीं रही, बस ये है कि खान साहब राजी हो जाएं इस बात पर। अब मैं आपका किस जुबान से शुक्रिया अदा करूं, आपने तो मेरी सारी परेशानियां ही दूर कर दी, खुदा आपको इसका अजर जरूर देगा। अब वो खान साहब, अब आप इस एग्रीमेंट को पढ़कर इस पर दस्तखत कर दीजिए। अब इसमें पढ़ने वाली कौन सी बात है, क्या हमें आप पर भरोसा नहीं है? ये यहां तो खान साहब अगले महीने की 5 तारीख को सुंदर साहब अपनी फैमिली के साथ हवेली में रहने आ रहे हैं। उस दिन सुबह 11 बजे उनका गृह प्रवेश होगा। सुस्वागतम सर। थैंक यू। बरकत साहब, ये है मेरी धर्मपत्नी शैलजा। नमस्ते भाभी जी। बेटी किरण। हेलो अंकल। हेलो बेटे। जूनियर मुकुल। हेलो बेटी। हेलो अंकल। बेटे ये आपके लिए। थैंक यू अंकल। अरे बरकत साहब, इसकी क्या जरूरत थी? अरे इट्स माय प्लेजर, ये तो बच्चों की खुशी के लिए। संदर साहब, मुहूर्त का समय हो चुका है और पंडित जी भी आ चुके हैं, आइए। जी चलिए। आइए सर, ये मुझे दे दीजिए। थैंक यू। आइए सर, आइए। कम स्वस्तिन इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्तिन पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यवहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विन व्याप्तम् इष्टन्निषाण मुम्मैषाण सर्वलोकम् मैषाण। लो बेटा कलश ले लो, अब प्रवेश करिए आप। ये लीजिए भाभी जी चाबी। अपने मुबारक हाथों से इस घर का दरवाजा खोलिए और अपने मुबारक कदम इस घर में रखिए। जी। गृह प्रवेश करो शैलजा। और दाहिना पांव अंदर रखो। जी। शैलजा, प्रवेश करो शैलजा।
वाह भाभी वाह, आपके कदम पड़ते ही हवेली फिर से जगमगाने लगी। पंडित जी। हाँ बेटा। ये कलश कहाँ रखूं? ये रसोई घर में ले जाइए। बेटी ये कलश आप रसोई घर में रख दीजिए और मैं हवन का प्रबंध करता हूँ, तब तक आप अपने हाथों से थोड़ा हलवा बना दीजिए। जी पंडित जी। जी आइए भाभी जी, मैं रसोई घर आपको बताऊं। अच्छा आइए। आइए भाभी जी, ये रहा आपका किचन, अपने मुबारक हाथों से इसका दरवाजा खोलिए। क्या हुआ भाभी? कहीं नौ सख्त तो नहीं होगी? फटिए मैं देखता हूं। आइए भाभी जी आइए। ये किचन काफी बड़ा है, दरअसल ये काफी पुराने जमाने का है ना, आजकल के किचन तो बहुत छोटे छोटे होते हैं और नसीब वालों को ये ऐसे किचन मिलते हैं। ये हवेली भी काफी पुरानी है, इसीलिए इसके सारे कमरे बड़े हैं। जी हाँ, थोड़ा ज्यादा ही बड़ा है। मम्मी ये कलश कहाँ रखूं? वहां चूल्हे के पास। भाभी जी पसंद तो आया ना आपको किचन? जी मैंने सब जरूरत की चीजें सब्जी राशन वगैरह यहाँ मंगवा दिया है, अगर फिर भी किसी चीज की कमी हो तो आप मुझे बताइए, मैं फौरन इंतजाम करा दूंगा। जी शुक्रिया। भाभी जी आप हलवा बनाइए, मैं बच्चों को तब तक हवेली दिखा के लाता हूँ। हाँ बरकत अंकल। चलो बच्चों आओ। रहा आपके मम्मी पापा का कमरा। वाओ सो बिग, वंडरफुल। अंकल हमारा कमरा भी इतना ही बड़ा होगा ना? हाँ हाँ क्यों नहीं, आइए आपको दिखाता हूँ। चलिए ये रहा आप दोनों का कमरा। वाओ इट्स सो ब्यूटीफुल। मुगल साहब पसंद आया आपको? अंकल मुझे तो लग रहा था कि ना जाने हम किस पुरानी हवेली में जा रहे हैं, पर ये हवेली तो बहुत अच्छी है। हाँ बेटा ये जिनकी हवेली है ना, उनके ग्रैंडफादर ने इसको बनवाया था। वाओ इट्स वंडरफुल अंकल। अच्छा अब चलो, मम्मी तुम लोगों का इंतजार कर रही होगी। चलो 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 चलो। किरण, मुकुल, मुकुल, किरण कहाँ तुम? Thank you.
अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम बरकत मियां। यहां अक्सर रात में बिजली चली जाती है, घंटों तक नहीं आती। शुक्रिया अच्छे मियां। हाँ तो बताइए, वहां सब कुछ ठीक ठाक हो गया है? हाँ खान साहब, सुंदर साहब की पढ़ी लिखी नेक बीवी और दो बच्चे हैं, बड़े खुश मिजाज और खुश इखलाक। खान साहब, वो हवेली फिर से जगमगाने लगी और सुंदर साहब भी बहुत खुश थे। उन्होंने तो मेरा शुक्रिया अदा किया कि मेरी वजह से उन्हें इतनी अच्छी जगह रहने को मिल गई। उन्हें और भी खुशी होती अगर एक मर्तबा आप उनसे मिलने हवेली में चलते। सुंदर साहब का बहुत एहसान है मुझ पर, उन्होंने मुश्किल काम को आसान कर दिया। मगर मेरा उस हवेली में जाने को जी नहीं करता। क्यों खान साहब, ऐसी क्या बात है? बरकत मियां, उस हवेली से मेरी बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। यहां पर अकेला रहता हूं तो यादें इलाही में सारा वक्त गुजर जाता है। यहां मुझे उन यादों के साए नहीं घेरते। अब जब मैं दुनिया से अलग हो गया हूं तो दोबारा वहां जाकर अपने आप को उस जंजाल में फंसा लूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। दिल को बहुत सुकून मिला बरकत मियां, ये जानकर कि वहां सब कुछ ठीक हो गया है। चलो बच्चों दूध पी लो। मामा हम लोग बाद में पी लेंगे। ठीक है, लेकिन सोने से पहले पीना जरूर। ओके मामा। देखो बच्चों, नई जगह है, पहली रात है, शायद नींद ना आए। डोंट वरी मामा, हम लोगों के लिए नई जगह पर जाना कोई नई बात नहीं है। और वैसे भी मामा, हमें ये घर तो बहुत अच्छा लगा। ऐसा सुंदर घर तो हमने पहले कभी देखा ही नहीं। अच्छा देखो, लेकिन दूध पीना मत भूलना। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट मामा। गुड नाइट मामा। बच्चे सो गए क्या? नहीं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं। घर के बारे में कुछ कहा उन लोगों ने? हवेली में आके बड़े खुश हैं। गुड, शायद ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? हाँ शैल, तुमने मेरी जिंदगी में आकर उसे खुशियों से भर दिया है। हालांकि हर तीसरे साल हमारा ट्रांसफर हो जाता है, बसी बसाई की रस्ती तोड़नी पड़ती है फिर जोड़नी पड़ती है। मैं तो दफ्तर के कामों में बिजी रहता हूं, बाकी का यह सारा काम तुम्हें अकेले ही करना पड़ता है। मगर तुम्हारे माथे पर शिकन तक नहीं आती। ये जो कुछ भी मैं करती हूँ आप ही का प्यार और विश्वास पाकर। आपने मुझे जो कुछ भी दिया उसके मुकाबले मैं तो कुछ भी नहीं दे पाई। अच्छा शैल, ये तो बताओ कि तुम्हें ये घर कैसा लगा? घर? हाँ भाई, इतनी शानदार हवेली का इंतजाम किया है। भले 3 साल के लिए हो, लेकिन हमने सोचा कि हमारी मलिका इस आलीशान हवेली में रहेगी। शायद कोई कमी तो नहीं रह गई? नहीं, कोई कमी नहीं, मगर मुझे इस घर में अजीब सी एक स्ट्रेंज सी फीलिंग हो रही है। कैसी फीलिंग? अगर मैं आपको बताऊंगी तो शायद आप मुझ पे हंसेंगे। बात क्या है, अगर कोई हंसने वाली बात है तो हमें भी हंसने का मौका दो। वो जब मैंने हवेली का दरवाजा खोला और
कदम रखने की कोशिश कर रही थी तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया हो। उठिए, उठिए आप, उठिए। भाई, इसमें ताज्जुब की क्या बात है? जब आपने पहली बार हवेली में कदम रखा तो यहाँ के माहौल ने खुश होकर आपके कदम चूम लिए। आप हंसना बंद करेंगे? अच्छा बाबा, नहीं हंसूंगा। ये तो बताओ कि और क्या हुआ? वो जब मैं रसोई का दरवाजा खोल रही थी ना, तब ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया हो। भाई, ये बात हमसे बर्दाश्त नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी कि जिस हाथ को हमने पकड़ा है उस हाथ को कोई और छुए। देखिए, आप मजाक मत कीजिए, वो हाथ किसी लड़की का था। हाँ फिर ठीक है, मगर यहाँ भी वही बात है। माहौल को लगा होगा कि रसोई का दरवाजा खोलते हुए इन नाजुक हाथों को तकलीफ ना हो। बस ये बताइए कि जब आप रसोई में गई तो हलवा आपने बनाया या किसी ने बनाकर रख दिया था? अब आप ये सब रहने दीजिए, मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि मैंने महसूस किया, ये तो नहीं कहा ऐसा हुआ है। चलो शुक्र है कि बात दरवाजे तक ही रह गई। नहीं ऐसा नहीं है, जब मैं पहली बार बाथरूम में गई ना तो टब पहले से ही भरा हुआ था, और जब मैंने उससे खाली करने की कोशिश की तो मुझे इसमें एक साया नजर आया। भाई मान गए शैल, अब तुम दिन में भी सपने देखने लगी हो। हाँ हाँ रहने दो, मजाक मत उड़ा मेरा, मैं ब्रश करके आती हूँ। शैल, भाई मैं तो बस इतना कह रहा था कि अगर तुम बाथरूम में टब भरा देखो तो ये मैं सोचना कि टब किसी ने भर दिया है, क्योंकि वो टब इसमें चीज ने भरा है। बस ये सोच कर कि सोने के पहले तुम नहा लो तो नींद अच्छी आएगी। Very funny. कह रहे थे पानी भर के रखा हुआ है। साया, वही उस लड़की का। चलो मुझे दिखाओ। नहीं, मुझे डर लग रहा है। ठीक है तुम रुको, मैं देखकर आता हूँ। आप ही बचाइए। कुछ नहीं होगा, तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। शैल कमाल कर दिया आपने, कायल हो गए हम आपके। हमने थोड़ी सी हंसी क्या कर ली, आपने तो इस कदर डर के हमारी जान ही निकाल दी। मैं सचमुच डर गई थी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। चलो ठीक है, ट्रूस, आप जीती मैं हारा। अब तुम भी थक गई हो, आई ऑल्सो हैव ए लॉन्ग डे टुमारो, थोड़ा आराम करते हैं। कम आओ। पास मी ए स्लाइस प्लीज। या ये आपका जूस और बच्चा लोग ये आप लोगों का दूध। अरे ये क्या, नाश्ता तो कर लो। मम्मी जितना खाना था उतना खा लिया, कम से कम दूध तो पी लेते। अरे मम्मी अगर दूध पियेंगे तो स्कूल में लेट हो जाएंगे। स्कूल में मस्ती मत करना। बाय मम्मा। बाय। बाय मम्मी। बाय। तुम लोग गाड़ी में बैठो, मैं भी आया। अच्छा भाई मैं भी चलता हूँ। जूस तो पी लो। नहीं नहीं, आई एम गेटिंग लेट फॉर द ऑफिस, किसी चीज की जरूरत हो तो ऑफिस फोन कर लेना। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। थैंक्स, बाय।
बेटा बस गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। पापा जल्दी करो ना, हमें स्कूल को लेट हो रहा है। वन मिनट बेटा, अभी हो जाती है। यहाँ तो कोई नहीं है। नहीं, यहाँ था, मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा, उसने तो मुझे छुप के सलाम भी किया। हाँ, पर यहाँ तो कोई नहीं है। हाँ मम्मी, यहाँ तो कोई नहीं है। तो फिर हाँ, बाथरूम में हो सकता है, वहाँ देखें। चलो वहाँ भी देख लेते, आओ। हाँ मैं देखता हूँ। मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। रिलैक्स रिलैक्स, मैं जाता हूँ। शैल, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मैं आपको कैसे समझाऊं? अब ये महज एक वहम है जो तुम्हारे दिमाग में घुस गया है, और जब कोई वहम का शिकार हो जाता है तो खुद अपने साये से भी डरने लगता है। हाँ मम्मी, आप डर गए हो। हाँ मम्मी, भैया बिल्कुल सच कह रहा है, आप तो सचमुच डर गई हो। देखो शैल, बच्चे भी अब यही कह रहे हैं, सचमुच इस हवेली में कोई नहीं सिवाय हमारे। अब तुम ये डर, ये खौफ, ये वहम अपने दिमाग से निकाल दो और बेफिक्र होकर यहाँ रहो। मेरा यकीन मानो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अब हम चलते हैं। मैं भी साथ में चलूंगी। भाई मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तुम कहाँ चलोगे हमारे साथ? मैं शॉपिंग पे चली जाऊंगी और बच्चों को स्कूल से लेकर ही आऊंगी, मैं यहाँ अकेली नहीं रहूंगी। ठीक है, चलो आ जाओ। कम 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 फास्ट, वी आर गेटिंग लेट।
मैं कहती हूँ ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, मैं जानती हूँ ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। बरकत साहब आपके कॉपरेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुंदर साहब ये कहकर तो आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं वो तो फर्ज है मेरा। अब ये तो आपका बड़प्पन है। देखिए बरकत साहब बिजली चली गई। हाँ यार अक्सर ऐसा होता रहता है। ओह तो मैं चलता हूँ। अच्छा कल ऑफिस में मिलते। गुड नाइट। बाय बाय। बाय। अरे यहाँ तो अंधेरा है, अब क्या करेंगे? होगा क्या मम्मी, कैंडल्स जला लेते हैं। हाँ कैंडल्स मेरे कमरे में है, आ जाओ। तुम लोग यहीं रुकना, मैं अभी कैंडल लेके आती हूँ। जी मम्मी। देखो ये लो कैंडल, तुम लोग ये बैठ के पढ़ाई करना, मैं तब तक खाना बना के आती हूँ। नहीं मम्मी आप अकेले में फिट रह जाओगे, हम भी खाना बनाने में आपकी मदद करेंगे। चलो ठीक है, चलो संभल के। हाँ चलो आ जाओ। तो यहाँ भी लाइट नहीं है। हाँ पता नहीं कैसा शहर है, गर्मी के मारे तो मेरा दम घुट रहा है। शहर का इसमें क्या कसूर, अब बिजली तो हर शहर में जाती है। वैसे आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि पूरे शहर में कहीं भी लाइट नहीं है। बच्चे दिखाई नहीं पड़ रहे? वो अपने कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं कैंडल लाइट में। खाना खा लिया उन्होंने? हाँ आप भी फ्रेश हो जाइए, मैं खाना गर्म करती हूँ। ठीक है। अरे क्या हुआ? हाँ बात क्या है शैल, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? सुंदर ये जो कुछ भी घर में, तो सुबह वाली बात अब तक तुम्हारे दिमाग में है? देखिए आप मेरी बात का यकीन करें ना करें, लेकिन ये जो कुछ भी मैंने देखा वो बिल्कुल सच है। शैल मैंने तुम्हारी सच्चाई पर कभी शक नहीं किया, जो हकीकत है उसे मैं भी मानता हूँ, लेकिन वहम को वहम 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 ये पहली बार नहीं हुआ है मेरे साथ।
मैं पहले ही दिन से ये सब कुछ देख रही हूँ। मैंने पहले भी आपको बताया, लेकिन आप है कि? रिलैक्स रिलैक्स, अभी इस बात को यहीं खत्म करो, कल सुबह बात करेंगे इस बात पर। देखिए, ये आपके लिए वहम हो सकता है, लेकिन मेरे लिए सच है। शल कहा ना सुबह बात करेंगे इस मसले पर, अब चलो अपने कमरे में। कमरे में अंधेरे और गर्मी के मारे मेरा दम घुट जाएगा। तो ठीक है, छत पर चलते हैं। छत पर? हाँ, और हमारे साथ बच्चे भी। बच्चे नहीं आने वाले, वो तो कमरे से बाहर निकलने के लिए भी तैयार नहीं है। ये लीजिए भाभी जी चाबी, अपने मुबारक हाथों से इस घर का दरवाजा खोलिए और अपने मुबारक कदम इस घर में रखिए। जी। गृह प्रवेश करो शैलजा। Thank you.
किरण, मुकुल, किरण, मुकुल, किरण दरवाजा खोलो, मुकुल। सुंदर, सुंदर, सुंदर जल्दी आओ, सुंदर, सुंदर जल्दी आओ, सुंदर, सुंदर, सुंदर जल्दी आओ, सुंदर जल्दी आओ, सुंदर। शैल तुम ठीक हो ना? सुंदर, वो दोनों, दोनों एक लड़का एक लड़की, दूल्हा दुल्हन थे, अपने बच्चों के कमरे में गए। चलो बच्चों के कमरे में? आओ। देखो शैल, बच्चे तो आराम से सो रहे हैं। शैल, कोई डरावना सपना देखकर तुम डर गई? मैंने कोई सपना नहीं देखा, मैं सो नहीं रही थी, मैं जाग रही थी। मैंने देखा कि वो दोनों उड़ते उड़ते आए, उन्होंने मुझे सलाम किया, लड़का तो किचन में गया लेकिन लड़की को इसी कमरे में जाते हुए देखा मैंने। समझने की कोशिश करो शैल, ये महज तुम्हारे दिमाग का वहम है। कल भी तो तुम, कल भी मैंने जो देखा वो वहम नहीं था। अब मैं आपको कैसे समझाऊं, इस घर में आत्माएं हैं जो मुझे नजर आती है, ये घर हमारे रहने लायक नहीं है, हम यहाँ नहीं रह सकते, प्लीज हम यहाँ नहीं रह सकते। शैल देखो, रात का वक्त है, पूरे शहर में अंधेरा है। ठीक है, मैं कल सुबह बरकत मियां से मिलकर कोई उपाय करता हूँ, पर सुबह तक तो धीरज रखो। सुबह तक मैं इंतजाम नहीं कर सकती, तब तक तो मेरी जान निकल जाएगी, हमारी जान को खतरा है, हम अभी इसी वक्त इस घर से चले जाएंगे। पागल मत बनो भाई, रात के अंधेरे में कहां भटकते रहेंगे हम? वो मैं कुछ नहीं जानती, मैं यहाँ नहीं रहूंगी बस। देखो हिम्मत रखो शैल, हिम्मत रखो। ठीक है, तुम इंसिस्ट करती हो तो मैं इसी वक्त बरकत मियां के घर जाता हूँ। भाई तुम इस तरह करोगी तो बच्चों पर क्या गुजरेगी? मम्मी पापा क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, बस एक सपना देखकर मम्मी डर गई थी। अच्छा आप लोग ऐसा कीजिए कि मम्मी को अपने साथ कमरे में बिठाई, मैं थोड़ी देर में आता हूं। अभी क्या, अभी आया? मम्मी का ध्यान रखना। ठीक है, अभी आया। बच्चों तुम लोग ठीक तो हो ना? हाँ मम्मी। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? बरकत साहब, बरकत साहब। अरे सुंदर साहब, आप इतनी रात को, सब खैरियत तो है ना? आइए अंदर आइए। अब क्या बात है सुंदर साहब, घर में सब ठीक ठाक है ना? बड़ा अजीब सा हादसा हुआ है घर में। कैसा हादसा? मैं बहुत परेशान हूं बरकत साहब। शैल कहती है कि जब से उसने हवेली में कदम रखा है, कभी कोई उसका हाथ पकड़ता है, कभी कोई पैर। यानी मैं समझा नहीं। शैल कहती है कि वो हवेली हॉन्टेड है। हॉन्टेड? हाँ, वहां रूहें आत्माएं रहती हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ बरकत साहब, उसको तो पूरा यकीन है कि उसने बाथरूम के टब में एक साये को देखा था, और आज तो गजब ही हो गया। उसने खुद अपनी आंखों से हवेली की छत पर दो आत्माओं को उतरते हुए देखा। हवेली की छत पर? हाँ, चूंकि शहर में बिजली नहीं है, हम दोनों छत पर सोए हुए थे। शैल कहती है कि वो आत्माएं एक जवान लड़के और लड़की की है। बरकत साहब, शैल तो इस कदर डर गई है कि वो एक पल भी उस हवेली में रहना नहीं चाहती। मैं बड़ी मुश्किल से उसे समझा बुझा कर बच्चों के हवाले करके आया हूं। राहत है, आपको तकलीफ होगी, पर आपको इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। बरकत साहब, अब सुंदर साहब ये बात मेरे वहां जाने से नहीं बनेगी, क्योंकि मैं नहीं जानता कि ये मामला क्या है। इसके लिए तो मुझे खान साहब के पास जाना पड़ेगा। खान साहब के पास? हाँ, क्योंकि ये हवेली उन्हीं की है और बरसों से ये
बंद पड़ी थी। अब वहां क्या है और क्या नहीं, इस बात का इल्म शायद खान साहब को हो। बरकत साहब, शैल पूरी तरह से डरी हुई है और वो घर में बच्चों के साथ अकेली भी है। प्लीज बरकत साहब, आप जल्दी आइएगा। सुंदर साहब, आप एक काम कीजिए, आप भाभी के पास जाइए, मैं अभी खान साहब के पास जा रहा हूँ और सुबह होने से पहले उन्हें हवेली लेकर आता हूँ। लेकिन मेरे ख्याल से आप फौरन जाइए, क्योंकि वहाँ भाभी बच्चों के साथ अकेली हैं और उन्हें इस वक्त आपकी जरूरत है। मैं अभी इसी वक्त जा रहा हूँ खान साहब के पास। ठीक है बरकत साहब, पर जल्दी कीजिएगा, मैं चलता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं बरकत मियां? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ खान साहब। सुंदर साहब खुद आए थे मेरे पास इतनी रात को, वो बेहद परेशान थे। बात ही परेशानी की है, ये बात सुनकर तो मैं भी परेशान हो गया हूं। सुंदर साहब बड़े खैर ख्वाह हैं हमारे, बहुत बड़ा एहसान है उनका मुझ पर, और मेरी वजह से उन्हें परेशानी हो, ये बात मेरे लिए शर्मिंदगी की है। लेकिन वो जिस बात से परेशान है वो बात मेरी भी समझ से बाहर है। लेकिन खान साहब, ये मसला सिर्फ आप ही हल कर सकते हैं, क्योंकि सुंदर साहब की बीवी एक पल के लिए भी उस हवेली में रुकने को तैयार नहीं है। नहीं बरकत मियां, नहीं, आप अभी मेरे साथ चलिए उनके पास, इसी वक्त आइए मेरे साथ, आइए। बरकत मियां, सुंदर साहब ये खान साहब, और खान साहब ये हमारे रीजनल मैनेजर सुंदर साहब। आदाब खान साहब। अल्लाह आपको सलामत रखे। आइए आइए, तशरीफ लाइए। सुंदर साहब, बरकत मियां कह रहे थे कि हाँ, अब क्या बताऊं खान साहब, अभी सिर्फ दो ही दिन हुए हमें आए, लेकिन पहले ही दिन से, बल्कि उसी पल से जब मेरी बीवी उस दरवाजे को खोलकर अंदर कदम ही रखना चाहती थी, मानो जैसे किसी ने उसके पैर पकड़ लिए, और फिर किचन में जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। सुंदर साहब, इन दो दिनों में जो भी हुआ वो मैं आपकी बेगम की जुबानी सुनना चाहता हूं। जी यही बेहतर रहेगा, मैं अभी उसे लेकर आता हूं। आप मत जाइए, इस वक्त उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं हुई, मेरा ही जाना वहां ठीक होगा। खान साहब खामखा आपको तकलीफ होगी। ये मसला तकलीफ का नहीं है, ये बात बहुत परेशानी की है। जी ठीक है, आइए चलिए। खान साहब आए हैं, आइए खान साहब। शैल खान साहब इस हवेली के मालिक हैं और खास तौर पर तुमसे मिलने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटी। सलाम कीजिए इन्हें। देखिए मुझे अब किसी से नहीं मिलना है, जब से इस घर में आई हूँ एक डर एक खौफ सा लगा रहता है, बस अब मुझे इस घर में नहीं रहना। शैल देखो, देखो बेटी, तुम मुझे अपने बाप की तरह समझो। जब बरकत मियां ने मुझे बताया तो मैं सुनकर खुद बहुत परेशान हो गया, लेकिन बेटी तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुमने देखा क्या। देखो बेटी, आखिर मुझे भी तो पता चले कि मेरी बेटी किस बात से परेशान है। बेटी मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि आखिर यहां तुमने देखा क्या। बताओ बेटी बताओ। जी जी बताती हूँ। वो पहले दिन जब मैंने इस घर में कदम रखा, ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया हो। जब मैं किचन का दरवाजा खोल रही थी, ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया हो। और
पहली बार बाथरूम में गई तो टब के पानी में मुझे एक साया नजर आया, एक धुंधला सा साया जो किसी लड़की का लग रहा था। मुझे वो साया दोबारा नजर आया, मगर जब इन्होंने देखा तो वो साया वहां नहीं था। बस इतना ही देखा था या और कुछ भी देखा था? सिर्फ इतना देख के मैं नहीं डरी थी। जैसा कि इन्होंने कहा कि वो मेरा वहम होगा, मैं भी अपने आप को समझाती रही कि वो मेरा वहम ही होगा, लेकिन आज रात जो मैंने देखा वो वहम नहीं था, सच्चाई थी, जीती जागती सच्चाई, जिसे देखकर मैं डर गई और वो डर अब भी मेरे साथ है। नहीं नहीं बेटी, डरो मत, साफ साफ बताओ वहां तुमने और क्या देखा? आज शाम से ही बिजली नहीं थी तो गर्मी से बचने के लिए वो और मैं हवेली के छत पे सो रहे थे। उनकी तो आंख लग गई लेकिन डर के मारे मुझे नींद नहीं आ रही थी। तब मैंने देखा कि दूर आकाश से दो साये हाथ में हाथ डाले इसी ओर आ रहे थे। मैं डर गई और वो साये हमारी छत पर आकर उतर गए। तब मैंने देखा कि वो साये नहीं थे, एक नौजवान लड़का और एक लड़की थे। फिर क्या हुआ? वो दोनों हाथ में हाथ डाले मेरे करीब आए। तब मैंने साफ तौर से देखा कि वो एक 24-25 साल का लड़का था। उसका रंग गोरा था और उसके बाएं गाल पर एक तिल था। उसने जरी की शेरवानी पहनी थी। और वो लड़की? वो लड़की 21-22 साल की थी, गोरी, खूबसूरत। उसने शादी का लाल जोड़ा पहन रखा था। उसके गले में छोटे छोटे हारों के साथ एक बड़ा सा हार था। उसके नाक में नथ थी, कान में सोने के झुमके और माथे पे झूमर और उसकी मेहंदी लगी हाथों की उंगलियों में हीरे की अंगूठियां थी। दोनों ने मुझे झुककर सलाम किया और नीचे सीढ़ियों से उतर गए और मैं डर गई। मेरे बच्चे नीचे सो रहे थे, कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए, इसलिए मैं चीखते हुए भागी और देखा कि वो लड़का किचन में गायब हो गया और वो लड़की साथ वाले कमरे में। हाथ में मेहंदी, कान में झुमके, शादी का जोड़ा, या अल्लाह। खान साहब, क्या हुआ खान साहब? कुछ नहीं सुंदर साहब, कुछ नहीं। क्या वो यही दोनों थे? हाँ, वो
दोनों यही है। सुंदर सुंदर देखो तो जल्दी आओ, ये दोनों वही है जो मुझे नजर आते हैं, यही कपड़े पहन रखे थे दोनों ने। खान साहब, ये वही दोनों हैं जिनका आज तक मुझे इंतजार था। खान साहब, हम समझे नहीं। ये मेरा पोता परवेज और उसकी बीबी अजरा है। मगर खान साहब, इनका इस तरह शैल भाभी को दिखाई देना, खान साहब ये लोग हैं कहां? ये तो मुझे भी नहीं मालूम। ये बात आज से 35 साल पुरानी है, जब मेरा बेटा यावर खान और मेरी बहू कमरू निसा एक कार हादसे में कमसिन परवेज और मुझ बदनसीब बाप को इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए थे। मैंने अपने बेटे और अपनी बहू की अमानत अपने पोते परवेज को अपने सीने से लगाकर परवरिश की, क्योंकि इस दुनिया में उसके अलावा मेरा और कोई नहीं था। परवेज बड़ा ही जहीन, बड़ा समझदार और फरमा बरदार नेक बच्चा था। जब उसकी तालीम खत्म हुई तो हमने अपने दोस्त सूबेदार खान की बेटी अजरा के साथ उसकी शादी कर दी। मुझे आज भी याद है वो शादी का मंजर। जनाब परवेज खान वल्द मरहूम यावर खान, आपने मुसम्मी अजरा बानो बिनते सुबेदार खान को बाएवज मुबलिक 50,786 कलदार सिक्के राजुल वक्त महर मुवज्जल वकील साहब और इन दो गवाहों की मौजूदगी में अपने निकाह में कबूल किया? जी हाँ, मैंने निकाह कबूल किया। आपने निकाह कबूल किया? जी हाँ, मैंने कबूल किया। आपने निकाह कबूल किया? जी हाँ, मैंने निकाह कबूल किया। लीजिए परवेज साहब, यहाँ पर दस्तखत कीजिए। शुक्रिया, आप भी। लाइए। मुसम्मी अजरा बानो बिनते सुबेदार खान, क्या आपने जनाब परवेज खान वल्द मरहूम यावर खान को बाएवज मुबलिक 50,786 रुपया कलदार सिक्के रायजुल वक्त महरे मवज्जल वकील साहब और इन दो गवाहों की मौजूदगी में अपने निकाह में कबूल किया? हाँ बोल बेटा, कबूल किया। आपने निकाह कबूल किया? कबूल किया। आपने निकाह कबूल किया? नहीं, इसने कबूल नहीं किया। समत समत खान, ये क्या बेहूदगी है? ये बेहूदगी नहीं, ये रिश्ता मेरी मर्जी के बगैर हुआ है। मैं अजरा को इस खानदान में नहीं जाने दूंगा। मेरे होते हुए ये शादी हरगिज नहीं होगी। तू कौन होता है शादी को रोकने वाला? मैं अजरा का भाई हूं और मैं अजरा का बाप हूं। तमत खान, तेरी बदतमीजियों और आवारगी को मैं अब तक बर्दाश्त कर चुका हूं, मगर अब इंतहा हो गई है। इस शादी में मुझे तेरी रजामंदी की जरूरत नहीं है और इसका फैसला अजरा खुद भी कर चुकी है और यह उसे शरीयत ने दिया है। चला जा यहां से, दूर हो जा मेरी नजरों से। यह फैसला महंगा पड़ेगा,
बहुत महंगा पड़ेगा अपूजान। काजी साहब जी, निकाह पढ़ना शुरू कीजिए। जी बेहतर। मुसम्मी अजरा बानो बिनते सुबेदार खान, क्या आपने जनाब परवेज खान वल्द मरहूम यावर खान को बाएवज मुबलिक 50,786 रुपया कलदार सिक्का रायजुल वक्त मेहर मुवज्जल वकील साहब और इन दो गवाहों की मौजूदगी में अपने निकाह में कबूल किया? कबूल है। क्या आपने कबूल किया? कबूल है। क्या आपने निकाह कबूल किया? कबूल है। मुबारक हो, 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 मुबारक हो। शुक्रिया। आइए। बस अल्लाह का फजल है। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खान साहब, आपको आपके पोते की शादी मुबारक हो। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा उन्हें। दादूजान, परवेज, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम दोनों जहां भी रहो खुश रहो, आबाद रहो। अल्लाह ताला से बस मेरी यही दुआ है कि तुम दोनों की जोड़ी कयामत तक सलामत रहे। शुक्रिया दादाजान। जिंदगी का ये नया सफर बहुत बहुत मुबारक हो बच्चों, मगर अफसोस इस बात का है कि जमीन के मामले में मुझे दयालपुर जाना पड़ रहा है, वरना मैं तुम दोनों को खुद रुखसत करता। हाँ दादू जान, ये काम भी तो जरूरी है ना। अच्छा ये बताओ कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो और कब तक वापस आओगे? दादू जान, प्लान तो बना है हमने बहुत सी जगहों पर जाने का। हाँ? और पूरे 2 महीने के लिए। और फिर मुझे अजरा की राय भी तो जाननी है कि इन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? आपकी पसंद ही मेरी पसंद है। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसे कहते हैं नेक शौहर बीवी। अच्छा बच्चों, अब मुझे रुखसत करो। खुदा तुम्हारा निगेबान है, तुम दोनों जहां जहां जाना मुझे इत्तला देते रहना। अपने आने की खबर जरूर देना, मैं फौरन यहां पहुंच जाऊंगा। ठीक है? जी दादू जान। अच्छा बच्चों, खुदा हाफिज। बस वो गए तो गए, ना कोई खत ना कोई खबर आई। मैं बस इंतजार ही करता रहा। मेरा इंतजार आज भी खत्म नहीं हुआ सुंदर साहब। बहू ने जो कुछ बताया उससे एक बात मेरे जहन में साफ हो गई कि अजरा के भाई समत खान ने निकाह के वक्त जो धमकी दी थी वो केवल धमकी नहीं थी, बल्कि उसने उस बात पर अमल भी किया।
मैं खुदा से दुआ करूंगा कि जो मैं सोच रहा हूं वो सच ना हो, लेकिन जो बातें सामने आई हैं उससे मैं सिर्फ एक नतीजे पर पहुंचा हूं। वो क्या खान साहब? सुंदर साहब, हमें रसोई घर और गुसलखाने को तोड़ना होगा। तोड़ना होगा? हाँ, बस यही आखिरी कोशिश होगी। साहब, ये तो किसी दुल्हन का ढांचा लगता है। या अल्लाह, खान साहब, परवेज, या खुदा, मेरा परवेज और अजरा कहीं नहीं गए थे, यहीं थे। ना जाने उस दरिंदे को इन मासूमों का खून बहाकर क्या हासिल हुआ। मेरा शक दुरुस्त निकला, इन मासूमों पर बहुत जुल्म हुआ, बहुत जुल्म। बेटी, ये रूहें किसी को परेशान नहीं कर रही थी, ये तो पाक रूहें थी। मौत के बाद ना तो इनकी नमाजे जनाजा पढ़ी गई, ना ही इन्हें कब्र की मिट्टी नसीब हुई, जो हर इंसान का आखिरी हक है। बेटी, ये तुम्हें परेशान नहीं कर रही थी, ये तो तुमसे फरियाद कर रही थी, अपनी आखिरी रस्म की अदायगी के लिए। मैं तुम सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि तुम लोगों ने बेचैन रूहों को सुकून दिया और मेरा इंतजार खत्म हुआ। बरकत मियां, आप मेरे साथ आइए कफन और दफन का इंतजाम करने के लिए। जी खान साहब। ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ पाक परवरदिगार,
अपनी रहमत के सदके में इन बच्चों को बख्श दे, इनकी रूहों को सुकून अता फरमा, सुकून अता फरमा मालिक, सुकून अता। ये तुम्हारी पानी की बोतल, मस्ती बिल्कुल मत करना। बाय मम्मी। बाय मम्मी। बाय। अच्छा शैल, अब मैं भी चलूंगा, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, अपना ध्यान रखना। यू हैव अ नाइस डे टू। थैंक्स, बाय बाय। बाय। को तंग करने नहीं बल्कि आपका शुक्रिया अदा करने आए हैं। आपकी वजह से ही हम बेचैन रूहों को हमारा आखिरी हक मिला। हमारी जिंदगी में हमारी किसी से अदावत या दुश्मनी नहीं थी। मेरे भाई समद खान ने न जाने किस दुश्मनी और नफरत के सबब हमारा खून बहाया। हमें तो हमारा आखिरी हक मिल गया, मगर खुदा ने समद खान को उसके किए की बड़ी इबरतनाक सजा दी। उसके दुश्मनों ने उसे मार के जंगल में फेंक दिया और चील कव्वे उसकी लाश खा गए। बस एक ही पैगाम है हमारा कि दुनिया में कोई किसी से नफरत ना करे, नफरत सिर्फ तबाही लाती है, और मोहब्बत मोहब्बत वो फूल है जिसकी खुशबू से सारी दुनिया महकती है। मोहब्बत की मौत नहीं होती, वो मरकर भी जिंदा रहती है। फिर एक बार आपका शुक्रिया। अलविदा।